हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सर जेम्स यंग सिम्पसन। ब्रिटिश चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन क्लोरोफॉर्म के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग को खोजने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विख्यात हैं। पुराने जमाने में ऑपरेशन में एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं होता था। मरीज डॉक्टर के काम में बाधा न डाले इसलिए उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और बेचारा मरीज अपनी आँखों से डॉक्टर को अपने शरीर की दर्दनाक चीरफाड़ करते देखता था। सर जेम्स सिम्पसन प्रसव विशेषज्ञ थे। 1846 में उन्हें पता चला कि अमेरिकी दंत चिकित्सक विलियम मार्टन एनेस्थीसिया के लिए ईथर को प्रयोग कर रहे हैं ताकि मरीजों को दर्द का एहसास न हो। सिम्पसन भी प्रसव के दौरान एनेस्थीसिया के रूप में ईथर का प्रयोग करने लगे। धर्मगुरुओं ने सिम्पसन पर धर्म की अवहेलना का आरोप लगाते हुए विरोध किया क्योंकि बाइबल में लिखा था कि महिलाओं का प्रसव के समय कष्ट होगा। बहरहाल, सिम्पसन ने पाया कि ईथर प्रसव के लिए उपयुक्त नहीं है और उन्होंने अधिक प्रभावी एनेस्थीसिया की खोज शुरू की। वे दिन में प्रयोगशाला में शोध करके एनेस्थीसिया तैयार करते थे, रात को वे अपने घर पर दो डॉक्टर मित्रों के साथ बैठकर उन द्रवों को सूंघते थे। आखिरकार 4 नवंबर 1847 की रात को सिम्पसन को क्लोरोफॉर्म की उस छोटी बोतल की याद आई जिससे वे प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने क्लोरोफॉर्म को गिलासों में डाला और मित्रों के साथ उसे सूंघा। तत्काल असर हुआ और वे एक के बाद एक जमीन पर गिर गए। होश आने पर सिम्पसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने शक्तिशाली एनेस्थीसिया खोज लिया था। इसके बाद डॉक्टरों के लिए ऑपरेशन करना बहुत आसान हो गया। मरीजों को भी दर्द से राहत मिली। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने 1847 में सर जेम्स यंग सिम्पसन को स्कॉटलैंड में अपना चिकित्सक बना लिया। तो ये थे हमारे सर जेम्स यंग सिम्पसन, जिन्होंने आज जो इतनी ऑपरेशन की कठिन प्रक्रिया होती है उसको कितना आसान बना दिया, मरीजों के लिए ऑपरेशन एक खेल बना दिया। तो ये उनकी उस खोज का नतीजा था जब पूरी दुनिया उनको मिलकर अपोज कर रही थी, पूरी दुनिया उनको बोल रही थी कि आप नहीं काम कर सकते हो, तो भी उन्होंने वो काम किया। दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को कठिनाइयों में विशेष आकर्षण नज़र आता है क्योंकि कठिनाइयों से जूझकर ही वो अपनी क्षमताओं को उजागर कर सकता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारा पेज उद्योग गुरु इरफान कौचाली ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।